अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली इमरान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बड़े खैर हो, आप ऐसे होंगे। वेलकम बैक हो गया, दोबारा मैदान में आ गया। जल्दी जल्दी आपको कुछ नया, कुछ देखने को, कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल पे, उस बशर्ते ये कि आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो आज जुमे का दिन है तो ऊपर वाले सेटअप को एक्सप्लोर करते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं हमारे इस एग्जॉटिक फिंचेस वाले सेटअप पे हमने जो बेंगलाइज के पेयर वन बाय वन, जहाँ पे हमने ये हापर लगाए हुए थे, हापर खाली अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे, डब्बों का मुंह मुद्दा कर दिया, उल्टा कर दिया। उसके बाद इनमें जो बेंगलाइज के पेयर थे सारे एक जगह पे शिफ्ट कर दिए हैं, ये देख सकते हैं ये नीचे। भाई साहब, बजाय कि हम 70 खानों में लैदा लैदा हर जगह पानी डालें, तो बेहतर नहीं कि 2-3 केजीज लें कलोनी वाले, उधर सबको छोड़ें और उधर ही पानी दे दें। एक ही 2 बर्तनों में दाना पानी हो जाए और जान खलासी हो, जो मैन पावर या कह लें कि हमें मेहनत करनी पड़े वो कम से कम हो, इन्हें रेस्ट देते हैं सीज़न में, दोबारा इनको लगा देंगे। इस वजह से बेंगलाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लैदा कर दी, सीज़न आउट हो गया, गर्मी है, अब ब्रीड नहीं लेनी। उसके बाद आ जाए जी इधर, इधर भी आपको पता था वन बाय वन वन बाय वन जोड़े लगे हुए थे, इन सबको भी सेपरेशन करके ये लें जी, ये इधर रख दिया। ये चेक करें, और मज़ेदारी की बात है, इधर आते ही चौधरी साहब इन्होंने मोल्ट वगैरह अपने स्टार्ट कर दिए। ये चेक करें, मोस्टली पेयर आपको मोल्ट में नज़र आ रहे होंगे, मोल्ट स्टार्ट कर दिया। बेहतर है कि इन्होंने मोल्ट शुरू किया, अब मोल्ट की वजह से इनकी फिदर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और सर पर होके न्यू लुक में आ जाएंगे। जो हमारे एग्जॉटिक फिंचेस के ब्रीडर थे वो हमने इधर छोड़ दिए हैं। माशाल्लाह, ये एक्स लॉन्ग टेल है, ये पेयर ही बैठा हुआ है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उसके बाद वो पीछे देखें, एग्जीबिशन वगैरह और दूसरे जो पेयर बैठे हुए हैं ओल के, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चेक करें, ये सारी हमारी एग्जॉटिक फिंचेस, ये सामने अवल बैठी हुई है, नहीं ये हैक्स है, अवल पीछे भाग गया, स्टार फिंच में म्यूटेशन है। उसके बाद ये हमारे ब्रीडर हैं, नहीं नहीं ये रेडी टू ब्रीड हैं, इंशाल्लाह ताला ईद के फौरन बाद इनको भी नए घरों में रवाना कर देंगे। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा वीडियो में बल्ब लगा हुआ है, भाई साहब ये बल्ब लगाया हुआ है, जून जुलाई की गर्मी में बल्ब लगाया है। यार गोल्डियन जब भी बीमार होती है ना तो बल्ब का सहारा लेना पड़ता है। हॉस्पिटल केज में मैंने नहीं डाला, वो जो केज है उसकी वजह यह है कि उधर मुझे ज़्यादा महसूस हुआ है कि गर्मी ज़्यादा होगी, इस वजह से इधर छोड़ा है। कि इधर अभी भी धूप है तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि बर्ड, धूप कह रहा हूँ, गर्मी है और बर्ड बल्ब के नज़दीक बैठे हुए हैं। वजह यह आई है कि ये बर्ड जो है ना, मुझे लगा सीप में चले गए और थोड़ा बहुत जो है ना इन्हें जो काक्सी वाला इशू वो थोड़ा सा ना मुझे खड़खड़ा था, इस वजह से भाई साहब इनको फौरी तौर पे रोनी भी 12% और ट्रिपल सी चला दी है, बल्ब लगा दी है। इंशाल्लाह ताला अगर मेरे मालिक ने चाहा तो बर्ड 3 से 4 दिन के कोर्स के बाद सेटमेंट फ्रेश हो जाएंगे। ओवरऑल टोटल व्यू देख लें, माशाल्लाह पीस सब अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने मुकाम पे सेट हैं, इकट्ठे कर दिए हैं, एक ही जगह दाना पानी कर रहे हैं। और साफ फूड मैं बहुत कम दे रहा हूँ क्योंकि इन दिनों दाना बर्ड बहुत थोड़ा खा रहा है, जो देना पानी में देना है, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोबायोटिक्स, चौरका, सेब का सिरका, ये चीज़ें चल रही हैं। आ जाए जी बाय, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा बर्ड जो है ना। अच्छा, जावा की भी कलोनी का सिनेरियो ये है कि इसमें मैंने डब्बे वगैरह ना थोड़े बहुत ओपन कर दिए हैं, ये देखें, क्योंकि आगे सोन भादो मूनसून आ जाने हैं, तो भाई साहब मेरा नहीं प्लान कि इनसे ब्रीड दी जाएगी। बहरहाल मेरे पास टेम्परेचर बहुत आइडियल आ रहा है, ये देखें 29, कूलर जो मैंने बाहर रख के लगाया हुआ है ना उससे मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे साथ दे रहा है। बाकी डब वगैरह और दूसरी चीज़ें, ओए होए होए यार इसका पाँव देखो कहाँ पर फंसा हुआ है, देखते रही अल्लाह अकबर। चलें जी, पाँव इसका नीचे फंसा हुआ था, एक्सपायर हो गई है, चलें कोई नहीं, ये भी साथ साथ है। उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें, ये पट्ठे सिल्वर के पड़े हुए हैं जिस मेरे भाई को चाहिए, ये चेक करें, मैं कैमरा अंदर ले जाके आपको दिखाता हूँ।
03-324-92-34 वाले नंबर पे चेक करें, कलर माशाल्लाह निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ब्यूटीफुल। और मज़ेदार की बात है, ये ओपल वाले हैं, ओपल सबलेट हैं। इंशाल्लाह ताला अगर आपके मुकदरों में हुआ तो ओपल के बच्चे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एग्जैक्टिव फिंचेस में आपको हैक्स लॉन्ग टेल फॉन में ये 8-10 पीस हैं, ये मिल जाएंगे माशाल्लाह, वाश हो गए हैं, प्रॉपर सेल्फ हैं, 1000 रुपये का पीस मिल जाएगा। जल्दी जल्दी फ़ोन घुमाएं। तो जी दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त है। इसी तरह के अब नए नित नए ब्लॉग आपको देखने को इसी चैनल पे मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अब ब्रेक नहीं लगेगी, तो ये कि हफ्ते में 2-3 वीडियो लाजमी डालेंगे इस पर। और दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।